जब आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने जाते हैं तो आपको कई प्रकार की ट्रेडिंग के बारे में बताया जाता है और उन्हीं में से एक है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। जी हाँ फ्रेंड, इस ट्रेडिंग की ओर आजकल अधिकतर ट्रेडर्स इसलिए आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि इसमें आप कुछ ही मिनट में बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि आखिर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं और इसे पैसे कैसे कमाते हैं। तो आज मैं आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में बिगिनर से एडवांस लेवल तक सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देख लेते हैं तो आपके मन में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा। तो हे गाइस, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड यू आर वाचिंग रोहित ऑफिशियल जीरो चैनल। अगर आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से रिलेटेड अच्छी अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी आप इनेबल कर सकते हैं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक ये वीडियो पहुँचे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होता है। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करके आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, वो भी बिना ज़्यादा रिस्क लिए। लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते समय आपको बहुत ही एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है क्योंकि आपको अपनी पोजीशन को तुरंत खरीदना और बेचना पड़ते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा इसका मीनिंग जान लेते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का मतलब है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर की जाने वाली ट्रेडिंग, यानी कि स्कैल्पिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जिसमें आपको शेयर मार्केट से पैसे कमाने के लिए कुछ घंटे या कुछ दिनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बल्कि आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के जरिए कुछ ही मिनटों में ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। अब थोड़ा सा स्कैल्पर्स को जान लेते हैं। शेयर मार्केट में जो लोग स्कैल्प ट्रेडिंग करते हैं उन्हें स्कैल्पर्स बोला जाता है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कि शेयर मार्केट में स्कैल्पिंग क्या है। तो स्टॉक मार्केट में कम समय में ट्रेड करके पैसे कमाना स्कैल्पिंग एक ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें आप बिना ज़्यादा जोखिम लिए मार्केट की बहुत छोटी मूवमेंट से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। मतलब अगर शेयर का प्राइस थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट जेनरेट कर सकते हैं। शेयर बाज़ार में बहुत सारे लोग स्कैल्प ट्रेडिंग करके बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं क्योंकि यह लोग अधिक क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं। यह बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए की जाने वाली ट्रेडिंग है। अधिकतर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल और पुट ऑप्शन में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि इंडेक्स की इक्विटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ा सा प्राइस बढ़ता हुआ देखकर यह लोग अपनी सभी क्वांटिटी को सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट जेनरेट कर लेते हैं। आइए अब इसका एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए बैंक निफ्टी के एक किसी स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 200 रुपये का है जो कि बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होते रहता है। अब मान लीजिए कि अगर आज मार्केट में तेज़ी है तो एक स्कैल्प ट्रेडर 200 रुपये के इसी बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन के बहुत सारे लॉट एक साथ बाय कर लेता है। जैसा कि आपको पता है कि बैंक निफ्टी में एक लॉट 15 यूनिट का होता है, तो इस हिसाब से उसे एक लॉट खरीदने के लिए 15 × 200 यानी 3000 रुपये लगाने होंगे। एक स्कैल्प ट्रेडर का मकसद यही होता है कि अगर 200 रुपये का प्रीमियम 205 रुपये हो जाएगा तो मैं इसे बेच दूंगा, क्योंकि वह अधिक समय के लिए इंतज़ार नहीं करता और साथ ही वह अधिक क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता है ताकि उसे अधिक से अधिक लाभ हो सके। इसलिए वह 5 लाख रुपये लगाकर बैंक निफ्टी के उसी 200 रुपये के कॉल ऑप्शन के 100 लॉट खरीद लेता है। फिर जब प्राइस 200 रुपये से बढ़कर 205 रुपये हो जाता है तो वह अपनी सारी क्वांटिटी सेल कर देता है। इस प्रकार उसे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। चलिए अब देख लेते हैं कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ। उसने 100 क्वांटिटी खरीदी थी, मतलब कि 100 × 15 कुल प्रॉफिट उसको 1500 यूनिट खरीदे थे। टोटल एक यूनिट पर उसे 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ,
इस प्रकार 1500 यूनिट पर प्रॉफिट हुआ। 1500 × 5 = 7500, मतलब कि उसे 7500 का प्रॉफिट हुआ। तो आपने देखा कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में यह प्रॉफिट उसे कुछ ही सेकेंड या कुछ ही मिनटों में हो गया, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होते हैं और इसी तरह से स्कैल्पिंग करने वाले लोग पैसे कमा लेते हैं। आप जानते हैं कि स्कैल्प ट्रेडिंग कैसे काम करती है। शेयर मार्केट में सबसे छोटे टाइम फ्रेम में अगर कोई ट्रेडिंग काम करती है तो वह स्कैल्प ट्रेडिंग, मतलब अगर आपको शेयर बाज़ार से सबसे जल्दी पैसा कमाना है तो आपके लिए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बेस्ट तरीका हो सकता है। लेकिन इस ट्रेडिंग को करने के लिए आपको सख्त अनुशासन और कुछ फिक्स नियमों का फॉलो करने की ज़रूरत होता है, वरना आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में अपना पैसा डुबो भी सकते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो स्कैल्पिंग एक ऐसा खेल होता है जो शेयर बाज़ार से आपको बहुत जल्दी पैसा कमा कर दे सकता है। लेकिन दूसरी ओर अगर आपने स्कैल्पिंग के नियमों को सही से फॉलो नहीं किया तो इसमें आपका सारा पैसा डूब भी सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कैसे करें। आप चाहे तो 1 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट भी उपयोग कर सकते हैं। अब क्योंकि स्कैल्पिंग बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, इसलिए अगर आप 15 मिनट की कैंडल का उपयोग करेंगे तो वह बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाएगा। इसलिए चार्ट पर 5 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करना सही रहेगा। देखिए, जब भी आप किसी भी चार्ट पर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यह पता लगाना होता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मतलब आपको यह पता करना है कि मार्केट बुलिश होगा या बेरिश, और फिर उसी आधार पर हम ट्रेड लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ इंडिकेटर्स का उपयोग करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो इंडिकेटर है उसका नाम है MACD इंडिकेटर। तो इंडिकेटर लगाने के लिए आपको चार्ट पर ऊपर की ओर इंडिकेटर का आइकन दिखाई देगा। उस आइकन पर क्लिक करते ही आपके सामने सभी इंडिकेटर खुलकर आ जाएंगे। उसमें से आपको MACD सिलेक्ट करना है। अगर आपको उस लिस्ट में से MACD इंडिकेटर ना दिखे तो आपको सर्च भी कर सकते हैं। MACD इंडिकेटर पर क्लिक करते ही यह आपको चार्ट पर लग जाएगा। ऐसे ही MACD इंडिकेटर चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा तो आपको चार्ट पर नीचे की ओर दो लाइन दिखाई देगी। पहली ऑरेंज लाइन जो सिग्नल लाइन होती है और दूसरी ब्लू लाइन जो MACD लाइन होती है। स्कैल्प ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाएं, अब ये बहुत ही लोगों के मन में ख्याल आता होगा। तो अब चलिए जानते हैं। जैसा कि आपने पीछे देखा कि MACD इंडिकेटर लगाकर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको एग्जांपल देकर प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूँ कि आखिर आप कैसे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले आपको वह चार्ट ओपन करना है जिसमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यानी कि मान लो आप निफ्टी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो निफ्टी का चार्ट ओपन करें। अगर आप किसी स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो स्टॉक का चार्ट ओपन करें। चार्ट ओपन करने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी डीमैट अकाउंट है उसमें जाकर आप चार्ट खोल सकते हैं। चार्ट खोलने के बाद उसमें आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। इसके बाद MACD इंडिकेटर लगाना है। इतना करने के बाद आपको चार्ट को थोड़ी देर तक देखते रहना है। कुछ देर बाद जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ काटती है तो आपको तुरंत बाय कर लेना है। मान लो जिस समय आपने ख़रीदा उस समय स्टॉक का प्राइस 100 रुपये चल रहा था। अब क्योंकि आपने MACD को देखकर सभी समय पर ख़रीदा था, इसका मतलब कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने लगा। अब आपको चार्ट को देखते रहना है और जैसे ही MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ काटती है तो तुरंत आपको स्टॉक सेल कर देना है। आप देखेंगे कि प्राइस 100 रुपये से थोड़ा बहुत बढ़ गया होगा, आपको प्रॉफिट हो चुका होगा क्योंकि आपको खरीदने के बाद ही स्टॉक बुलिश पोजीशन में आ गया था। तो इस प्रकार से आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या है
और कैसे काम करती है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाएं। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा पूरी अच्छी तरीके से। और भी गाइस मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आते रहूँगा, ठीक। और भी आपको नेक्स्ट में लाइव ट्रेडिंग भी करके दिखाने वाला हूँ, ठीक। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू एंड वंदे मातरम।